YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस YouTube क्लास में ज़ेरिविटनॉफ मेथड से ज़ेरिविटनॉफ मेथड में ग्रिग्नार्ड रेजेंट की हेल्प से एक्टिव हाइड्रोजन डिटरमाइन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 11th में हाइड्रोकार्बन में काम आता है, 12th में अल्कोहल में काम आता है और कॉम्पिटिटिव में पूरी ही ऑर्गेनिक में काम आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एक्टिव हाइड्रोजन कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फॉन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तब हम इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो हम इसको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। अब हमने एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कराई, तो जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट इससे रिएक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन को या एक्टिव हाइड्रोजन को निकालेंगे और ग्रिग्नार्ड रेजेंट के एल्काइल पार्ट से जाकर अटैच कर देंगे। एल्काइल पार्ट कौन सा है ये, ठीक है ना। और जब इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4। ओके, नाउ वी स्टार्ट इन रिएक्शन। ये हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसके इसमें मिथाइल ग्रुप या कार्बन वाला ग्रुप हमेशा नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब देखना, ये हमारा H2 और H2 की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो सब जानते होंगे, फिर भी कोई बच गया है तो देख सकता है। ये एक OH की लमसम स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाई है। अब देखो, इसमें H भी है और OH भी है, तो क्या इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है? हाँ, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन ये भी है और ये भी। तो अब ये हाइड्रोजन जाएगा और जाकर किससे अटैच हो जाएगा, CH3 से जाएगा। तो हमने क्या सीखा, एक्टिव हाइड्रोजन को लो और जाकर मिथाइल से अटैच कर दो या एल्काइल से अटैच कर दो। तो जब ये H जाएगा और इससे अटैच हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथेन। कोई डाउट? और जो बाकी OH पार्ट बचेगा या जो भी जिस में भी बचेगा उसको हम यहां पर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब इसमें बेंजीन रिंग है, अब एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ, तो H जाकर किससे जुड़ेगा, H जाकर अटैच होगा किससे बच्चों, H जाकर अटैच होगा C6H5 से, और C6H5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते। हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की वापस रिएक्शन अमोनिया से कराई, क्या अमोनिया में एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ, इसलिए H जाएगा CH3 से अटैच हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा मिथेन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट फिर डिस्कस करते हैं अमोनिया के बाद में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से ये कि क्या इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है मिथाइल अमीन में, यस, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है इसलिए एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो ये जाएगा और मिथाइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, तो फिर से हमें क्या मिला, मिथेन। नेक्स्ट एग्जांपल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मिथाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा और इसमें ये हाइड्रोजन एक्टिव है, क्यों है, क्योंकि O से डायरेक्टली अटैच है, तो H गया मिथाइल से अटैच हुआ और क्या बन गया, फिर से मिथेन बन गया। क्या बेंजोइक एसिड में एक्टिव हाइड्रोजन होगा, यस, क्योंकि ये H इस O से डायरेक्टली अटैच है, तो ये H जाएगा इस CH3 से अटैच होगा और फिर से क्या बन जाएगी, फिर से मिथेन बन जाएगा। क्या एनिलीन में एक्टिव हाइड्रोजन है, यस, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है इसलिए एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा और हमको देगा क्या, मिथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या एथेनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन है, यस, ये जाएगा
इस मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा और फिर से मिथेन देगा। क्या इथाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है? यस। जब हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और ये 11th की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कॉम्पिटिटिव की भी। पर दे नोटिस करो, इसमें एक नहीं दो दो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अब ग्रिग्नार्ड डिजाइन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? दो। और जब दो रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिथेन कितने मोल मिलेगी? कितने मिलेगी? 2 मोल। तो जैसे 2 मोल मिथेन मिली तो हमने डिटरमाइन कर लिया इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, अब देखते हैं क्या इस प्रोपाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है। यस, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये जाएगा फिर से मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मिथेन। तो हमने इतनी रिएक्शनों में क्या सीखा? अगर एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन कैसे देखेंगे? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो हाइड्रोजन जाकर ग्रिग्नार्ड डिजाइन के अल्काइल पार्ट से अटैच हो जाएगा और उसको हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है? हमने प्रोपाइन तक के एग्जाम्पल देख लिए, अब ये ब्यूटाइन। क्या ब्यूटाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है। इनको हम एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मान सकते क्योंकि ये sp3 कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। एक्टिव हाइड्रोजन तभी होता है जब हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। ये 11th क्लास के एल्काइंस के प्रिपरेशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज में काम आता है। अब देखो ये कॉम्पिटिटिव में आई हुई प्रॉब्लम है, इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? दो, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों ये एक्टिव हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्डेड से अटैच है। और ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। तो अब 2 एक्टिव हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। तो दोनों जाएंगे और ग्रिग्नार्ड डिजाइन के 2 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल मिथेन देंगे। तो जितने मोल मिथेन बेसिकली बनती है हम उसने ही एक्टिव हाइड्रोजन मान लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन ग्रिग्नार्ड डिजाइन के मिनिमम मोल के साथ में रिएक्ट करेगा? तो हमने देखा इसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड के 2 रिएक्ट करेंगे। हमने इसमें देखा 1 एक्टिव हाइड्रोजन है तो 1 मोल करेगा, और इसमें प्रोपाइन 2-ion-1-ol में देखा तो इसमें भी 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। जब हमने ब्यूटाइन 2 देखा, ब्यूटाइन 2 में अभी हम देख कर आए थे कि इसमें 1 भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए मिनिमम मोल 0 रिएक्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन मिनिमम मोल से रिएक्ट करेगा। ओके, अब जब हम ग्रिग्नार्ड डिजाइन की रिएक्शन इथर से करते हैं तो एक अकेला कंपाउंड है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके साथ ग्रिग्नार्ड डिजाइन कोई रिएक्शन नहीं करता, और कोई रिएक्शन नहीं करता और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? ये रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ? इथर के साथ, ठीक है। तो हम इसको, इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट में मैग्नीशियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? तो देख सकते हैं हम स्ट्रक्चर में आराम से कि अब क्लियर देख रहा है कि ये जो मैग्नीशियम है इससे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, और जब कोई 4 बॉन्ड बनाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। ये प्योर कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है कि जब ग्रिग्नार्ड डिजेंट इथर से रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन, मेटल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ओके, एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन का एक और भी मेथड है कि अगर हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करे,
अगर हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करे तो वो भी एक्टिव नेचर दिखाता है, वो भी एक्टिव नेचर दिखाता है। तो टॉटोमेरिज्म में किस किस में पार्टिसिपेट करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इन दोनों इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट यूट्यूब में हम डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारे ही कंपाउंडों से रिएक्ट करता है इथर को छोड़ के, ओके। तो इथर से कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अब दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब दो टाइप की रिएक्शन देता है, एक तो एसिडिक हाइड्रोजन से और दूसरे डबल बॉन्ड से। अगर किसी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर एडिशन रिएक्शन देगा, और अगर उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो अभी हमने ये जितनी भी रिएक्शन देखी थी वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यूट्यूब में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड की एडिशन रिएक्शन देखेंगे।